स्टूडेंट। यहाँ जो आपका पोटेशियम है, ठीक है जी, जो कि आपका पोटेशियम है, जब वो पोटेशियम एंड सोडियम जब क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो बेटा ये जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, वायलेंट होती है। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आपका सोडियम अगर आपने पानी के अंदर डाल दिया ना, तो क्या होगा, आपका यहाँ पर एक भयंकर विस्फोट होगा। तो बेसिकली सोडियम और पोटेशियम के केस में, सोडियम और पोटेशियम के केस में जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है बेटा, वायलेंट होती है। काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, वायलेंट होती है, और साथ में कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी विस्फोट होने के साथ साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलेगी तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज फायर, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी वो क्या कर लेगी, वो आपकी फायर को कैच कर लेगी। इसलिए ये क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है। तो जब भी आप पोटेशियम को क्या करते हो, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो क्या बनता है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि फायर पकड़ेगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो भाई यहाँ पर इसके बाद सोडियम की अगर रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, वाटर के साथ करवाते हो, तो क्या बनता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें भी आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और साथ में क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी आपकी रिलीज होगी। ठीक है जी, इसके बाद द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। अब आप अगर कैल्शियम को किसके साथ रिएक्ट करवाते हो, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो क्या वहाँ पे आपको वायलेंट जो रिएक्शन है वो क्या देखने को मिलेगी, नहीं बेटा, वहाँ पर जो रिएक्शन जो होगी ना वो इनके कंपेरिजन में, सोडियम और पोटेशियम के कंपेरिजन में कम वायलेंट होती है। और इसके अंदर क्या होता है, हीट जो होती है वो आपकी इवॉल्व होगी, लेकिन क्या होगी, सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यानी कि क्या होता है, जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या पकड़ सके, फायर को कैच कर सके। यानी कि फायर को कैच करने के बेसिस पे जो इसके अंदर हीट इवॉल्व होती है वो काफ़ी कम अमाउंट में होती है। तो उस हीट के कारण क्या होता है, जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो क्या नहीं कर सकती, फायर को कैच नहीं कर सकती। ठीक है जी, अब इसके बाद देखो यहाँ पर बता रखा है कि जो कैल्शियम आपका, अगर उसे आप क्या करते हो, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो बेटा क्या बनता है, तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपका कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम क्या होता है, तैरना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। यानी कि जो आपके कैल्शियम होते हैं वो क्या होता है, फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है पानी के अंदर। क्योंकि रीज़न क्या है इसका, कि जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं ना, हाइड्रोजन गैस के क्या होते हैं, जो बबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेटल की सरफेस पर चिपक जाते हैं। मेटल की सरफेस पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिसके कारण आपका जो कैल्शियम है वो क्या करता है, फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है, उसमें तैरना स्टार्ट कर देता है। चुनने का देखा ना आपने, जो अपन क्या करते हैं घरों में कलर करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो वाइट वॉश के दौरान अपन क्या करते हैं, जो चूना होता है उसको क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर मिलाते हैं, तो बेटा यही तो रिएक्शन है, वो यही तो रिएक्शन है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, याद रखना बेटा, मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो क्या नहीं कर सकता, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, भाई इसको गर्म पानी चाहिए, इसको गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी ये सहन नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो याद रखना बेटा, मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हॉट वाटर से ये रिएक्ट कर सकता है। और यहाँ पर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। यानी अगर आपने क्या किया, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करवा दी, अगर वाटर से करवा दी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको बेटा, यहाँ पर मिलेगा MgOH2, इसके साथ आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। और इसके अलावा अगर अपन इसको देखते हैं, मैग्नीशियम को, तो ये भी क्या करने लग जाता है, फ्लोटिंग करने लग जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स निकलते हैं। तो बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम क्यों फ्लोट करते हैं, क्यों तैरते हैं सरफेस पर, तो उसका काम कारण ये होता है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो किससे चिपक जाते हैं, आपके मेटल से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, सरफेस पर तैरते रहते हैं। ठीक है जी, अब इसके अलावा बात करते हैं मेटल लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो मेटल आपका आयरन है, जिंक है, ये आपके, तो मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। आपके जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये कभी भी आपका ना तो ये ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे और ना ही ये गर्म पानी हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। ये क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी स्टीम है यानी कि जो वेपर है,
वेपर से ही रिएक्ट करके क्या बना देंगे, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे। बेटा जी ऐसा नहीं है, ये आपका लिक्विड स्टेट में क्या नहीं होता, याद रखना बेटा। कभी भी आयरन जो होता है ना, आयरन कभी भी वाटर से लिक्विड स्टेट के अंदर क्या नहीं होता, रिएक्ट नहीं करता। आप चाहे पानी चाहे ठंडा दे दो उसको, चाहे गर्म दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। लेकिन हाँ, उसकी वेपर अगर आ गई ना, उसकी क्या आ गई, अगर वेपर आ गई तब वो क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा बेटा, यहाँ पर बना देगा वो मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या बना देगा आपका, यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम है जो कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे वाटर है जो कौन सी फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में, जो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, और साथ में क्या निकल रही है बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसी के अलावा जैसे मान लो आयरन के लिए अपन देखते हैं, तो आयरन जो होगा जब वाटर से रिएक्ट करता है, जब आयरन वाटर से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो आपका फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 बनाता है, जो सॉलिड होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब बेटा देखो, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि जो मेटल है वो किससे रिएक्ट कर रहे हैं, गैस से रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको इसको याद रखना अच्छे से कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों क्या होते हैं, ना तो आपके कोल्ड वाटर से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ना ही वो हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं। ऐसा ही आपका कैल्शियम के लिए अगर अपन बात करें, तो जो कैल्शियम होता है वो आपका वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये क्या होते हैं, सरफेस पर फ्लोटिंग करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। अब इनके तैरने का कारण क्या है बेटा, कि जो हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं, वो सरफेस, जो मेटल की सरफेस होती है उससे चिपक जाते हैं, जिसके कारण ये फ्लोट करने लग जाता है। ऐसा ही मैग्नीशियम के साथ होता है, बट मैग्नीशियम के केस में याद रखना, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, किससे करता है, हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। इसके अलावा जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये आपके वाटर से रिएक्शन नहीं करते। अब वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, ये बेसिकली क्या नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। कौन कौन से, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब ये बात अपने देख ली कि भाई वाटर से अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो वाटर से जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करता है बेटा क्या बनता है, पहले तो बनता है ऑक्साइड, और फिर क्या बनता है आपका, हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड। अब बात करते हैं अपन, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, यानी अगर क्या होगा, मेटल जो है किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तब क्या बनाएगा। बेटा देखिए, जब भी मेटल किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा। आप डाइल्यूट डाइल्यूट भूल जाओ, आप एक बार यहाँ पे ध्यान दो, मेटल जो है वो अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा आपका, एक तो सॉल्ट बनाएगा, एक आपका हाइड्रोजन बनाएगा। कैसे भाई, देखो अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा देता हूँ तो बेटा क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा NaCl+H2। तो बन गया ना, ये तो बन गया सॉल्ट और ये आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जब भी मेटल किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे, क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, यानी कि अगर कोई मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड से, यानी कि जैसे मान लो आपका सोडियम या पोटेशियम, कुछ भी ले लो, पोटेशियम है, पोटेशियम अगर किससे रिएक्शन कर रहा है, HNO3 किससे रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रिक एसिड से, तो क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। जब भी हाइड्रोजन गैस किस केस में रिलीज नहीं होती, जब मेटल जो होता है वो किससे रिएक्शन करे, नाइट्रिक एसिड से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HNO3 जो है ना, बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो HNO3 होता है आपका, वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये क्या करेगा, ये आपका इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। अब देखो यार, अगर ये आपका HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो तो क्या करेगा, हाइड्रोजन का क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, वहाँ पर ऑक्सीडाइज कर देगा, और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर चेंज कर लेता है। अब वो या तो N2O के रूप में हो जाएगा, या NO के रूप में हो जाएगा, या आपका NO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है, जो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है जी। देखो, जब भी आपका जैसे मान लो कोई भी पोटेशियम मेटल है, ये अगर HNO3 से रिएक्शन कर रहा है,
तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमेशा आपका एक तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर देखने को मिलता है, इसके साथ यहाँ पर वाटर देखने को मिलेगा, ना कि आपका हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे ही इनको हाइड्रोजन मिलेगा, ये उसे ऑक्सीडाइज कर देंगे और क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन बेटा मैग्नीशियम जो होता है ना आपका, और मैग्नीज, देखो यहाँ पर याद रखना, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, और मैग्नीज का क्या है, Mn। ये क्या करते हैं, रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवोल्व H2 गैस। यानी कि आपका जो मैग्नीशियम और जो मैग्नीज होता है, ये क्या करता है, जो डाइल्यूट एसिड है आपका, डाइल्यूट क्या है, नाइट्रिक एसिड। अब बोले सर डाइल्यूट क्या मतलब है, डाइल्यूट क्या होता है, तो बेटा देखो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है। डाइल्यूट क्या होते हैं, जिसके अंदर जो एसिड का अमाउंट है, एसिड का अमाउंट तो क्या होता है, कम होता है, बट वाटर का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो ऐसा ही डाइल्यूट क्या ले लिया अपन ने, नाइट्रिक एसिड ले लिया, और इसके साथ जैसे ही अपन ने किसकी रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन करवाई, तो क्या निकलता है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यानी अगर आप मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन किससे करवाओगे, HNO3 से करवाओगे, कौन से HNO3 से, डाइल्यूट HNO3 से करवाओगे, तो वहाँ पर क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है। लेकिन अगर आप किसी और मेटल को अगर आप यूज़ करके क्या करते हो, HNO3 से रिएक्शन करवाते हो, तो बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। यानी अगर अपन क्या करते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप किससे करवा रहे हो, HNO3 से करवा रहे हो, डाइल्यूट HNO3 से करवाओगे, तो वहां पर क्या बनता है, H2 बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो बेटा ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, ये सबसे ज्यादा किस में बनती है, यानी जो बबल्स आपको दिखाई देंगे वो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम के केस में आपको दिखाई देते हैं, मैग्नीज के केस में इतने ज्यादा नहीं दिखाई देते। तो मैग्नीज के केस में इतने ज्यादा नहीं होते, बट मैग्नीशियम के केस में काफी ज्यादा बबल्स आपको दिखाई देते हैं। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। यानी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। यानी कि ये जो रिएक्शन जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, वो बेसिकली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। यानी यहाँ पे हाई अमाउंट के अंदर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन ना आपकी मैग्नीशियम को, अगर रिएक्शन किससे करा रहे हो आप, HNO3 से करवा रहे हो, तो ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, आपकी एक्सोथर्मिक होती है। अब देखिए इसके अंदर रिएक्टिविटी को डिक्रीजेस ऑर्डर में बता रखा है। तो यहाँ पर डिक्रीजेस ऑर्डर का मतलब मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, फिर उससे ज़्यादा बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ग्रेटर देन जिंक, जिंक ग्रेटर देन आयरन। यानी कि आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो सबसे कम होती है, बट मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो कॉपर वाला जो है ना आपका, कॉपर क्या करता है, जब भी कॉपर आपका किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से। अब डाइल्यूट एसिड से अगर क्या करता है, जो आपका कॉपर है वो अगर रिएक्शन कर रहा है, लाइक CuHCl से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपर है जैसे ही आपका डाइल्यूट एसिड से क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो बेटा यहाँ पे किसी भी तरीके के बबल्स आपको दिखाई नहीं देते। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही, और साथ में जो आपका टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, सेम बना रहता है, चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर होता है वो कभी भी किससे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। किसके साथ रिएक्ट नहीं करते बेटा, ये जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या क्वेश्चन आपको दिमाग में आएंगे, पहली चीज कि जो मैग्नीशियम होता है उसके अंदर सबसे फास्टेस्ट फॉर्म में जो बबल्स हैं हाइड्रोजन के, वो काफी ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलते हैं। यानी जो बबल्स होंगे, बबल्स जो हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, काफी फास्टेस्ट अमाउंट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई रिएक्शन जो होती है ना, रिएक्टिविटी जो होती है, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, मैग्नीशियम की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, आयरन की होती है। और ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। इसके साथ कॉपर जो होता है ना बेटा, वो कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब बात करें अगर एक्वा रेजिया की, देखो एक्वा रेजिया क्या है, इसे अपन क्या बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं। इसका एक्वा रेजिया दूसरा नाम क्या होता है, रॉयल वाटर। इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन दो
Neither of these acids can do so alone. Aqua regia is a highly corrosive, fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. देखो भाई एक्वा रेजिया जो होता है ना, एक्वा रेजिया को वैसे अपन क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। और ये क्या होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक मिक्सचर है किसका, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 में क्या बनाया जाता है, एक मिक्सर तैयार किया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। यानी इसके अंदर क्या करते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 इन दोनों को किस रेशियो में मिलाते हैं, 3:1। यानी कि 3 ग्लास अगर अपन ने किसके लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, तो 1 ग्लास उसमें क्या बनाएंगे, अब क्या मिलाएंगे अपन, नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है बेटा, इसकी खासियत क्या है, ये आपके गोल्ड को डिजोल्व कर देगा। यानी अगर आप उसमें गोल्ड डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा उसके अंदर। इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन, एक्वा रेजिया इज ए हाईली कोरोजिव। एक्वा रेजिया जो होता है ना, वो काफी ज्यादा क्या होता है, कोरोजिव होता है। इसके साथ साथ ये फ्यूमिंग लिक्विड भी होता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट That is able to dissolve gold and platinum. ऐसे कई बहुत ही कम reagent होते हैं जो क्या कर सकते हैं, gold और platinum को क्या कर सकते हैं, dissolve कर सकते हैं, जिसमें एक बार एजिया आपका main है। अब देखिए यहाँ पर आता है कि how do metal react with solution of other metal salt? यानी कोई भी metallic salt का solution है तो उससे metal कैसे react करेगा। तो भाई देखो यहाँ पर एक activity बताई गई है आपकी कि take a clean wire of copper and an iron nail. यानी अपन क्या करेंगे, एक तो कॉपर का वायर ले, कॉपर का क्या लेंगे अपन, वायर लेंगे, उसके साथ एक क्या लेंगे अपन, आयरन की नेल लेंगे। पुट द कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो क्या करेंगे अपन, अपन एक तो सॉल्यूशन लेंगे FeSO4 का, यानी आयरन सल्फेट का। ये देखो ये तो क्या है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। और दूसरा सॉल्यूशन अपन लेंगे कॉपर सल्फेट का। किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट का। अब भाई आपको क्या करना, आपको थोड़ा इसका क्रॉस कर देना, कैसे भाई, आयरन सल्फेट वाले में तो आपको किसको डालना है, कॉपर के वायर को डालना है, और कॉपर सल्फेट वाले में आपको किसको डालना है, आयरन का जो नेल है उसको डालना है। डाल दिया, ठीक है जी, डाल दिया क्या, चलो जी। अब उसके अंदर अपन क्या करें, जैसे मान लो जो भी अपन ने सॉल्यूशन लिया है वो किसके अंदर लिया है, अपन ने टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। अब 20 मिनट के बाद अपन ये देखेंगे क्या होता है इसके अंदर। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट ए रिएक्शन हैज अकर्ड, ऑन वॉट बेसिस कैन यू से दैट ए रिएक्शन हैज एक्चुअली टेस्ट प्लेस। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहां पर दिखाए गए हैं। तो देखिए यहां पर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। देखिए जो अपन ने कॉपर सल्फेट का और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लेके जो अपन ने अभी रिएक्शन करवाई थी, उस रिएक्शन का नाम क्या होता बेटा, उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है, और मैं चाहूंगा कि आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। और ये तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, जो क्या होते हैं आपके, जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, वो क्या कर सकते हैं, लेस रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उनको क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। यानी कि अगर आपका आयरन और कॉपर, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो भाई इसके लिए आपको क्या होगा, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जानना बहुत जरूरी है, जो अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो किसके द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको किसके द्वारा वहां से आपका हटा दिया जाएगा, या वहां से आपका दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, वो किसके द्वारा होगा, वो हाईली रिएक्टिव मेटल के द्वारा होगा। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, ये सब अपन ने पहली वाली जो टॉपिक है उसके अंदर देखा है। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विथ ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजेंट। अपन क्या कर सकते हैं, हर एक जो मेटल होता है उसकी रिएक्टिविटी को अपन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और आपका एसिड के साथ अपन उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन सभी मेटल क्या नहीं करते, कभी भी वाटर, ऑक्सीजन और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल We had collected in decreasing order of their reactivity. तो इसके कारण अपन क्या नहीं, जैसे देखो सभी मेटल आके रिएक्ट नहीं कर सकते रिएजेंट के साथ, तो अपन सभी मेटल को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर, उनकी जो रिएक्टिविटी है
उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में अपन उनको क्या नहीं रख सकते, उनके सैंपल को अपन ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रख सकते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन ने चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था। इट इज सिंपल एंड इजी ऑफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट इज मोर रिएक्टिव देन बी। यानी कि देखो यहाँ पर मेटल ए और सॉल्यूशन में सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है आपका बी का है, तो इसमें क्या हो रहा है जो मेटल ए है वो क्या कर रहा है मेटल बी को क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा। अब देखो यहाँ पर ये इसके प्लेस को चेंज कर रहा है, ए वाला क्या कर रहा है मेटल बी वाले प्लेस को चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि ये क्या है आपका जो मेटल ए है वो बी वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बेटा देखो जिसका वर्चस्व ज़्यादा होगा उसकी ही चलेगी, सही बात है ना, जिसका वर्चस्व ज़्यादा है उसी की चलेगी, जिसका वर्चस्व कम है उसकी नहीं चलेगी, तो उसको वहाँ से हटना होगा। तो भाई ए वाला जो है वो स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा इसको यहाँ से हटा देगा, बोले चल भाग यहाँ से, तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो भाई मेटल जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो क्या हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं।